हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन में सम कैसे आता है, राइट? तो अभी मेरे पास क्या है, टेक्स्ट बुक नहीं है, तो क्वेश्चन मोबाइल में है, तो अपन इधर से सीखेंगे। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है और एडजस्टमेंट एक ही दिया है, मतलब सादा डोसा हो गया। एक तरफ से मसाला वाला रहता है ना, बहुत सारे एडजस्टमेंट। तो ये मेरा 14वां सम है, 10-13 सम सॉल्व कर दिया। अभी आपको इसमें करना है कि हमारे में क्या कॉलम बनाना है। तो तुम्हारे पास चॉइस है कि आप लोग कैसे भी कॉलम बना सकते हो, एक टी फॉर्मेट में भी बना सकते हो। देखो मैंने ना ये सम टी फॉर्मेट में सॉल्व करो, कौन सा फॉर्मेट में, टी। और कंपनी के हिसाब से नया फॉर्मेट भी आया। नया फॉर्मेट में क्या करने का रहता है, पहले नया फॉर्मेट डिस्कस करता हूँ। ऐसा कॉलम बनाएंगे, प्री पोस्ट, प्री मतलब पहला, पोस्ट मतलब बाद में। फिर इधर लिखेंगे बेसिस, क्या लिखेंगे, बेसिस। और इधर लिखेंगे टोटल, क्या लिखेंगे, टोटल। फिर इधर पहले लिखने का इनकम, क्या लिखने का, इनकम। और इधर लिखने का एक्सपेंस, क्या लिखने का, एक्सपेंस। तो अगर आपको कॉलेज में टीचर ऐसा फॉर्मेट सिखा रही है, तो आप ऐसे फॉर्मेट में सॉल्व करना। अगर ये फॉर्मेट में सिखा रही है, तो ये फॉर्मेट में सॉल्व करना। ओके, तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, क्रेडिट वाला आइटम, कौन सा मनीष, क्रेडिट, वो इनकम में आएगा, किधर आएगा, income। तो इधर क्रेडिट में कितना आइटम है, एक, तो इनकम में डाल देगा ग्रॉस प्रॉफिट। और ये पूरे एक्सपेंस दिख रहे हैं लाइन से 10-15, वो पूरे इधर आ जाएगा, किधर आ जाएगा, इधर आएगा। तो इसको सॉल्व करके ए मिलेगा, इधर ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा, बी मिलेगा। दोनों को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। अभी हम लोग ये रसम सॉल्व कर रहे हैं जो बचपन से तुमने सीखा है, कहाँ से सीखा है, बचपन से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तुम लोग, तो इधर नेट प्रॉफिट और कैपिटल रिजल्ट कुछ मिल जाएगा ना तुम्हारा, इसको इसको बैलेंस करके। अभी हमने क्या किया, मन में क्या, ये पूरे डेबिट वाला आइटम दिख रहा है, अमाउंट डेबिट वाला आइटम इधर उठा के पटक दिया। और क्रेडिट में क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, किधर लिख दिया, क्रेडिट में। तो प्रॉफिट प्रायर इनकॉर्पोरेशन में हम लोगों को सबसे पहले ना टाइम रेशियो निकालना है, क्या निकालना है, टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो। और जो बच्चे लोग को निकालने में तकलीफ होती है, तो आ जाओ। तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रीड करके पहले देखो कि ईयर एंड कब हो रहा है इनका, ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड कभी हो रहा है, कौन सा कभी एंड हो रहा है भाई, 22 में, चलो कौन सा महीने में एंड हो रहा है, थोड़ा आवाज जोर से आंदो, किधर एंड हो रहा है भाई, दिसंबर। तो जब अगर एंड दिसंबर में होगा तो चालू जनवरी में होगा ना यार। अगर इधर एंड मार्च होता, क्या होता भाई, मार्च। अगर एंड मार्च होता तो इधर मार्च लिखता, तो स्टार्ट क्या होता, अप्रैल। तो मैंने लाइन से पूरा 12 महीने लिख दिया, कोई डाउट है, एंड कब हुआ, दिसंबर, चालू जनवरी। फिर अभी मैंने लाइन इधर मारा, मनीष युवराज किधर लाइन मारा, इधर मारा, तो इधर लाइन क्यों मारा, मेरा मन बोला क्या, नहीं। तो लाइन इसलिए मारा क्योंकि पहले नॉर्मल कंपनी थी, पहले नॉर्मल पार्टनरशिप था, क्या था वो, फिर बाद में वो कंपनी बन गया, पहले नॉर्मल बिजनेस था, अब वो क्या हो गया, कंपनी। तो कंपनी बना तो रजिस्ट्रेशन किया, क्या किया, तो रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड, रजिस्ट्रेशन को बोलते हैं इनकॉर्पोरेटेड। तो इनकॉर्पोरेटेड कभी किया, 1 मई को इनकॉर्पोरेट कभी किया, ये मई है, ये अप्रैल है, तो बीच में आ गया ना। अगर 31 मई बोला तो इधर लाइन आता था ना। अगर मान लो इनकॉर्पोरेट के जगह पे डेट आता 1 अक्टूबर, क्या आता, 1 अक्टूबर, तो इधर लाइन मारता तुम, है ना। अगर बोला रहता 1 अप्रैल, कभी बिजनेस को रजिस्टर किया, तो इधर लाइन मारता। अभी बिजनेस कभी इनकॉर्पोरेट हुआ, तो ये हो जाएगा प्री, ये क्या हो जाएगा, और ये पोस्ट। प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। तो आपको टाइम रेशियो मिल गया, इसको काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 4 इधर आ गया, साल में 12 महीना रहता ना, अगर 4 महीना इधर रहता बचा कितना, 8। ये किसी के तो टेबल में जाता है 1:2, ये आ गया टाइम रेशियो, क्या हो गया। तो जो भी ऑफिस का खर्चा किस पे बांटेंगे, टाइम। देख ये तुम्हारा खेल समझ में आया। अभी सेल्स रेशियो का ना वो एडजस्टमेंट रहेगा, किधर रहेगा, सेल्स रेशियो के लिए अपने को एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, तो आप सुनो, ये ही मेन है जो सिखा रहा हूँ सेल्स। तो सेल्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इधर लिख दिया सेल्स रेशियो के लिए, सेल्स टोटल सेल्स फॉर द ईयर, क्या वर्ड बोला, बोलो, सेल्स फॉर द ईयर। साल भर का सेल्स कितना है, 5,50,000, मतलब साल भर का सेल्स कितना है, 5,50,000। तो उसको मैं टोटल सेल्स बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ, 5,50,000, सिंपल। दो लाइन क्यों मारा, पहला बाद में। तो साल का सेल 5,50,000 है, आउट ऑफ विच उसमें से 1,37,500 वेयर फॉर द पीरियड फ्रॉम जन टू मई, ये 1,37,000 है ना, ये वाला सेल्स 1,37,500, ये सेल्स कभी का है, जनवरी से वापस से, हाँ चलो आ जाओ। 1,37,500 सेल्स कभी से है, जैन से लेके मई का है, तो जैन से लेके 1 मई तक, मतलब इधर तक ना यार, तो इधर का सेल है कितना है, 1,37,500 पर टोटल सेल कितना है,
5,50,000 तो प्री का इतना है, ये प्री मतलब पहला, तो पोस्ट का कितना रहेगा भाई, इसको इससे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सिंपल सॉल्व कर रखते हो, समझो साल का सेल 10,00,000 है और पहले का 4,00,000 है, टोटल कितना है 10 और पहले का कितना है 4, 10 में तो 4 जाएगा तो 6 आएगा ना, अभी इसको इसको क्या करना पड़ेगा अपने को माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करके कितना आंसर आ जाएगा मालूम है क्या, 5,50,000 टोटल था जिसमें से पहले का इतना था तो बचा कितना 4,12,500, 4,12,500 ये बैलेंस सेल्स हो गया, क्या हो गया, तो इधर लिखेंगे 137,500, इधर लिखेंगे 4,12,500। अभी अपने को इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सॉल्व करना, तो 2020 क्या हो जाएगा कैंसिल, 1375 बचेगा, 4125 बचेगा, है ना। तो अभी ये किसके टेबल में जाता है, 15 के टेबल में भी जाता है, तो एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, ये क्या है 1735 क्या है 1735, इसको इंटू 3 करता हूँ, इंटू क्या करता हूँ 1375 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 4125 है, मतलब ये एक गुना और ये तीन गुना है, मतलब ये 1 जा होएगा और ये 3 जा होएगा, ये 1 जा होएगा ये, तो सेल्स रेशियो कितना मिला 1:3, सेल्स रेशियो कितना मिला 1:3, सेल्स रेशियो कितना मिला 1:3, ठीक है। अब अपन ने इतना तो रेशियो निकाल दिया, आधा काम खत्म कर लिया, इसके बाद क्या किया अपन ने मनीष, ये पूरे एक्सपेंडिचर है ना ये पूरे डेबिट में डाला और इसको कितना डाला क्रेडिट। अभी अपने को पहचानना है, अगर ऑफिस का खर्चा है तो टाइम में जाएगा, क्या सुना, ऑफिस का खर्चा है तो टाइम, और बेचने का खर्चा है तो टाइम का रेशियो 1:2 है और सेल्स रेशियो कितना 1:3। तो पहला नाम पढ़ते हैं और कुछ किसी को बांटेंगे नहीं, डायरेक्ट पोस्ट में लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे पोस्ट में, जो कंपनी के रिलेटेड रहेगा उसको पोस्ट में डालेंगे। तो जैसे कि मान लो डायरेक्टर फीस क्या है, उसको कभी नहीं बांटने का, क्योंकि डायरेक्टर फीस का मतलब होता है कंपनी बनने के बाद डायरेक्टर बनता है, तो पोस्ट में आएगा, किधर आएगा पोस्ट में। तो डायरेक्टर फीस का अमाउंट है 50,60, तो इधर लिख दिया 50,60, क्यों नहीं बांटा, क्योंकि कभी का है कंपनी का, और कंपनी कभी बनती है पोस्ट के बाद। तो और कुछ है क्या कंपनी के रिलेटेड, हाँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या दिया है, मतलब लाइसेंस बनाने का खर्चा, ये भी कंपनी का ही खर्चा है, तो कंपनी का खर्चा इसको बांटेंगे नहीं, डायरेक्ट इधर लिखेंगे पोस्ट में। तो कितना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 6,500, तो इधर आ जाएगा 6,000, ये भी इजी हो गया। अभी चलो फर्स्ट नाम क्या है सैलरी, फर्स्ट नाम क्या है सैलरी का अमाउंट कितना है 39,600, कितना है 39,600, तो सैलरी को बांटना है, तो सैलरी ऑफिस का खर्चा होता है, सैलरी ऑफिस का खर्चा किसमें बांटेंगे टी लिखा मैंने, टी बोलेगा तो टाइम, तो अमाउंट कितना बांटने का है 39,600, तो इधर बांटते चलो 39,600, टाइम रेशियो कितना है 1:2, तो पहले क्या करेंगे इसको 1:2 में बांटना है तो डिवाइड, पहले ऐड करेंगे 39,600, क्या क्या एक और दो कितना होता है 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे ना इसको, तो 3 से डिवाइड करेंगे, अरे बाप रे, तो तुम्हारा रहा कैलसी लाओ यार, ये कैलसी आग मार रहा है 39,600 को डिवाइड किया 3 से, कितना आया 13,200, कितना है 13,200। अब एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 से, 1 से करेगा तो 13,200 आएगा और 2 से करेगा तो 26,400, तो यह आया 13,200 26,400। तो सैलरी को मैंने कौन से रेशियो में बांटा, क्यों, क्योंकि वो कौन सा खर्चा है ऑफिस का है, तो ऐसे रेंट भी ऑफिस का खर्चा, तो ये भी टाइम में आएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये भी टाइम में आएगा, इंश्योरेंस भी ऑफिस का ये भी टाइम में आएगा, और ऑफिस एक्सपेंस भी क्या है टाइम में आएगा, बैंक चार्जेस ऑफिस का खर्चा इसमें भी किधर आएगा टाइम में, इंटरेस्ट ऑन लोन ये भी ऑफिस का खर्चा किधर आएगा टाइम में। तो क्या मालूम पड़ा, ऑफिस का खर्चा तो किस पे बांटा टाइम। अभी एक क्वेश्चन और पैदा करता हूँ, कमीशन क्या दिया कमीशन, चलो एडवर्टाइजिंग ले ले, एडवर्टाइजिंग मतलब माल बेचना, एडवर्टाइजिंग मतलब माल बेचना ना, तो अपन माल बेच रहे, तो बेच रहे तो फिर किस में बांटेंगे सेल्स में, किस में बांटेंगे सेल्स में बांटेंगे, सेल्स रेशियो कितना है 1:3, तो एडवर्टाइजिंग का अमाउंट कितना दिया, एडवर्टाइजिंग अमाउंट 4,500, कितना है 4,500, एडवर्टाइजिंग अमाउंट 4,500 है, कितना है 4,500, और सेल्स रेशियो कितना है 1:3, तो पहले 4,500 लिखेंगे, एक और तीन कितना होता है 4, तो 4 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, 4,500 को डिवाइड किया 4 से, 1125 है, कितना है 1125, एक बार 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार 3 से करेंगे,
तो एक बार आया 1125 और एक 3375। तो एडवर्टाइजिंग को किस में बांटा? सेल्स में बांटा। तो बांट के कितना एक का 1125 और 3 से मल्टीप्लाई किया 3375। तो कौन सा एक्सपेंस सही है? किसके रिलेटेड था? सेल्स के रिलेटेड। तो कौन से में बांटा? सेल्स इशू। वैसे कमीशन सेल भी सेल्स इशू में जाएगा ना। डिस्काउंट, माल खरीदते तो डिस्काउंट दिया ना, कैरेज माल शोरूम में पहुंचाया ना, सब सेलिंग एक्सपेंस है। क्या ये तो सेल्स में बांटेंगे? सेल्स बोले तो 1:3। बैटरीज मतलब चूना लगाया ना, क्योंकि पान खाया तो ही चूना लगा, मतलब माल बेचा और से पैसा नहीं दिया, तो ये भी सेल्स में जाएगा। किधर आएगा? सेल्स। और ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा सेल्स रेशियो में आता है, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा। और जो कंपनी के रिलेटेड रहता है वो पोस्ट में आएगा, और जो पार्टनर के रिलेटेड रहेगा वो प्री में आएगा। पार्टनर वेंडर है तो टी, और कंपनी के रिलेटेड है तो ऑफिस का खर्चा टाइम, और बेचने का खर्चा सेल। इस तरह तुम्हारा सम बेसिक वाला मैंने करा दिया, अब सॉल्व कर लेंगे, बांट देंगे। पहले वाला कॉलम में जो भी आंसर आएगा उसको कैपिटल रिजर्व बोलना, और इधर नेट प्रॉफिट। तो कैलकुलेशन मैंने बाकी वीडियो में बना दिया, ये सब समझाने के लिए था कि कैसे रेशियो निकालना है, कौन सा किस में बटेगा, कैसे सॉल्व करने का था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।